मेरे पिताजी का जीवन सारा जीवन बिल्कुल बेदाग रहा है, वो बिल्कुल अब तो दादा गौतम के नाम से वो मशहूर कर दिया आप लोगों ने। काम का तो पता नहीं, काम तो किसी आदमी के हिसाब से राजनीति सूद कसूद की होती है, जिसका काम बन गया उसके लिए वो काम है, नहीं तो कह देगा भाई तूने ये लड़का एक नौकरी लगाया था, ये दूसरा भी तो तैयार है घर में, तूने ये काम नहीं करा। जिस दिन ये कांग्रेस की सारी टिकटें अनाउंस होंगी उस दिन हुड्डा साहब की कोठी के आगे 200 एम्बुलेंस भेजनी पड़ेंगी, पता नहीं किस किस के अटैक आएगा, किसने कितने पैसे खर्च करके उसी दिन उल्टे आ लेंगे। और तो भाई फिलहाल जो है रजत गौतम, रजत भाई, रजत भाई, राम राम। क्या बात है, आज मुलाकात हो रही है भाई। दर्शक ठाडू ठाडू राम राम। कैसे हो जी? और जी तो भाई कैसे हो भाई? सब ठीक हो? थैंक यू जी। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो संसार क्रांति पे, और ये गजब की तस्वीरें हैं। तो गौतम भाई, रजत भाई, जो उठापटक का दौर है, राजनीतिक उठापटक के दौर में आपने टाइम भी निकाल लिया, गुरबाज कंपनी में आप पहुंचे हो जो कि किसानों को बाज बनाने का काम कर रही है। भाई मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बुलाया, और कितनी भीड़ का इलेक्शन हो गुरबाज कंपनी अगर बुलाएगी तो हम कैसे नहीं आएंगे। और सारे मेरे साथी मनोज बिगाड़ा जी, कश्मीरी जी, और आपका भी पता लगा मैं मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मान रहा हूँ। रजत भाई, एक तो फसल होती है किसान तैयार करता है, एक फसल होती है जो राजनीतिक फसल है, वो भी तैयार हो गई है बिल्कुल कटने के लिए। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स आ चुके हैं सारे हरियाणा में अपना, और ये बिल्कुल एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है जी। हम सबको बड़ा खुश होना चाहिए इस बात से। दादा गौतम की अगर मैं बात करूं तो सफेद दो हल्के से हुंकार भर दी है, और जैसे ही हुंकार भरी तो कुछ बड़े बड़े सवाल भी मुंह बाहे खड़े हो गए हैं। कई सारे नुक एम्बलिया भाई का नारा दे दिया, भाई भाई की बगावत, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है देखो, बड़ी बड़ी पार्टी में सिर्फ बीजेपी नहीं, सारे जो भी दल होते हैं जी। छोटा जितने भी पार्टीज होती हैं उन सब पार्टीज के अंदर टिकटार्थी होते हैं, और ये उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी की निशानी होती है। उसमें आदमी को किसी को एक कोई टिकट मिल पाती है तो ये भाग्य की बात है, अगर हम भी उनकी जगह होते तो मायूस होते हैं। लेकिन क्या है, हम पहले भी 16-17 साल बीजेपी में रहे हैं और अब बीजेपी में घर वापसी की है, तो ये सारे के सारे सबसे बात हो गई है, सारे हमारे साथ हैं। कल भाव जी गौतम साहब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे अपना, तो आप सब जो देख पा रहे हो, और आप सब भी गुरबाज कंपनी को चाहने वाले भी, आप सब लोग भी आमंत्रित हैं, सुबह 9 बजे नई अनाज मंडी पहुँचें सफीदों, और हौसला बढ़ाए, और कल जितने मैक्सिमम चेहरे हैं जो हैं वो सारे बाबूजी के साथ होंगे। तो रजत भाई, ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो गया जो अपने मंत्री जी हैं भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहे, वहीं से जीत की पॉसिबिलिटी बन रही है, ये समीकरण कैसे बन रही है? ऐसा है जी, मेरे पिताजी का जीवन सारा जीवन बिल्कुल बेदाग रहा है, वो बिल्कुल अब तो दादा गौतम के नाम से वो मशहूर कर दिया आप लोगों ने। वो पूरे हरियाणा में, हम तो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, अगर हमें कोई बुलाता है संगठन कई जिम्मेवारी लगाए तो हम जा सकते हैं, वो जाना माना चेहरा है और बेदाग चेहरा है, आज तक कभी किसी से छोटा पैसा नहीं लिया, और बिल्कुल ईमानदार निडर सच्चे हैं बिल्कुल। तो मैं तो उनकी क्वालिटी को देखते हुए, संगठन ने जो जिम्मेवारी लगाई हम तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। रजत भाई, नारनौंद हल्के में ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से सफेदों में उन चीज़ों का बखान करके जनता को अपनी ओर आकर्षित कराया जा सके? काम का तो पता नहीं, काम तो किसी आदमी के हिसाब से राजनीति सूद कसूद की होती है, जिसका काम बन गया उसके लिए वो काम है, नहीं तो कह देगा भाई तूने ये लड़का एक नौकरी लगाया था, ये दूसरा भी तो तैयार है घर में, तूने ये काम नहीं करा। लेकिन किसी को ठगा नहीं है, 2000 से ऊपर बच्चों को कोशिश करके उनको उनको उनका परिवार चलाने में मदद करी अपना, और साथ में बहुत ऐसे काम करे हैं छोटे मोटे, अब क्या गिनती करवाऊँ मैं छोटी छोटी बातों की। आप ऐसा है, रिश्ता करने भी जाते हैं तो भी उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं आप, ये मैं तो मेरी बड़ाई करूँगा, आप नारनौंद हल्के में ही जाके पूछो जी। अच्छा रजत भाई, 2-3 दिन पहले दिया गया एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है, और उसके तोड़ मरोड़ के भी उसको पेश किया जा रहा है, अभी जो दादा गौतम के साथ खड़े हैं उनका तो तरक्की होगी, बरकत होगी, और जो साथ में नहीं खड़े उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहूँ? वो ऐसा है बेसिकली, चलो हर आदमी लेते हैं, वो बुजुर्ग हो रखे हैं, किसी आदमी को ठेस पहुंची तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या है वो कुछ और बात थी, मकसद वो नहीं, नहीं वो बात ही कुछ और चल रही थी, वो काट के सिर्फ एक लाइन दिखाई गई है, कट कॉपी पेस्ट का गेम चल रहा है। वैसे ही असल में क्या है, हर आदमी की नज़र रहती है विरोधी में, हम तो कोई एंटी कैंपेनिंग नहीं करते हैं, हमारे लिए तो देखो जसबीर जी भी लड़ रहे हैं आदरणीय है, बच्चन जी भी लड़ रहे हैं आदरणीय है, गांगुली जी भी लड़ रहे हैं आदरणीय है, कोई हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना। टक्कर किसके साथ? तो मैं जो गौतम साहब ने कहा वो तो ये कहा था कि जो और
हमारे साथी हैं जो नेतागण है बीजेपी के, भाई उन्हें अपना साथ नेताओं के लिए, हमारे परिवार की बात, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, कोई रैली नहीं थी। लेकिन उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, अभी वो आम पब्लिक के लिए कही गई बात है। ऐसा है जी, पूरे पिछले 5 साल से आप मीडिया लोगों की मेहरबानी से, दादा गौतम को बच्चा बच्चा जानता है, उनके कोई छल कपट पेट पाप नहीं है, वो खुली किताब है अपना, तो मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी बात है भी नहीं, उनकी बात पे कोई बुरा भी नहीं मानता। भाई टक्कर में किसको मान रहे हो आप, सफेद हल्के में किसके साथ, सुभाष गांगुली के साथ टक्कर है, या फिर बच्चन सिंघारिया के साथ टक्कर है, या फिर जसवीर देसवाल के साथ टक्कर है, या क्या लगता है? ऐसा है जी, हमारी टक्कर रहेगी कांग्रेस से, और वैसे मैं गलत बोलता भी नहीं हूँ, हम वकील भी हैं, बिल्कुल सच्ची व गलत करता हूँ, जसवीर देसवाल जी भी एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। अच्छा जी, तो गठबंधन भी हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस का गठबंधन, इसका कितना नुकसान, कितनी चुनौती आपको झेलनी पड़ी? अभी कहाँ हुआ है, अभी तो कोई हुआ नहीं, कोई टिकट भी नहीं हुई। टिकट तो नहीं हुई, लेकिन गठबंधन का जो चर्चाओं का बाजार है पूरी तरह से गर्म है। चलो मैं उन पे क्या कमेंट करूं, अभी हुआ ही नहीं है वो, उस पे क्या कमेंट किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो बिगुल बजाया था कांग्रेस के खिलाफ, और आज उसी के साथ गठबंधन की चर्चाओं का दौर चल रहा है। पार्टी की है कर्मू जी, हमारी पार्टी का नहीं, मैं उस पे कमेंट करके कोई नहीं, अगर वो सोच रहे हो, जैसे जैसे एक बात मेरी आप सारे नोट कर लेना, ये आज जो सट्टा दिखाता है 50-55 कांग्रेस, ये फलाना दिखा, ये जिस दिन कांग्रेस की पूरी टिकट बट गई ना, उसके बाद आपको ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी के पास तो ऑर्गेनाइजेशन है, मजबूत कार्यकर्ता है, कैडर है, वो किसी को भी देते हैं, नेता तो रुष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कार्यकर्ता कभी रुष्ट नहीं है बीजेपी का। जो कांग्रेस है उसमें तो बड़े नेताओं में, खासकर हमारे मेन जो लड़का है अपने, उन्होंने हर किसी को थपकी मार के, तेरी भी टिकट होगी भाई, तेरी भी टिकट होगी भाई। जिस दिन ये बात आज आप बेशक चला देना, जिस दिन ये कांग्रेस की सारी टिकटें अनाउंस होंगी, उस दिन हुड्डा साहब की कोठी के आगे 200 एम्बुलेंस भेजनी पड़ेंगी, पता नहीं किस किस के अटैक आएगा, किसने कितने पैसे खर्च करके, उसी दिन उल्टे आ लेंगे और उसी दिन कांग्रेस की आवाज डाउन हो जाएगी, अपना उन पे कैडर है। चलो रजत भाई, सफेदों में जो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जो विरोध नजर आ रहा था, उसको किस तरह से, उसकी स्ट्रेटजी कैसे तैयार करी आपने, क्या उनके साथ आपसी तालमेल बन चुका है या बनाना पड़ेगा? सबसे बन चुका है सब, बिल्कुल कल आप नामांकन भरेंगे सारे हमारे साथ दिखेंगे, आप अपना इसको, और वो तो कर ही रहे हैं, और कार्यकर्ता हमारे से ज़्यादा उत्साहित है। हाँ, 100% जीत होगी, सफेदों में भी पहली बार कमल का फूल खिलेगा, तीसरी बार नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये 8 अक्टूबर को ही आप देख लेना। थैंक यू, बहुत बड़ी बात, ठीक है, धन्यवाद जी। तो रजत भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी है, और आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से जो इनका जोश है वो कितना वोट बैंक में तब्दील हो पाओगा, वो आने वाला वक्त बताओगा। बने रहो इन तस्वीरों पर, छोड़कर तरते जान लग रहा हूँ, वीडियो निकल दो जिला का शेयर शेयरिंग का तर दो पतूर, ताकि आपके हलके का विकास हो उसका जरूर। मैं उत्तरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।